Welcome back to our channel. Now today we study about the Haeckel's rule. In previous video we had studied about the Keckley rule, chemical structure and resonance structure of benzene, and today we will study the Haeckel's rule. What is Haeckel's rule, what the basis of Haeckel's rule, and one example related to Haeckel's rule. So जो हैकल्स रूल है वो किस लिए यूज किया जाता है, टू चेक द एरोमेटिसिटी ऑफ द एनी रिंग स्ट्रक्चर और अ बेंजीन और बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर. देयर आर थ्री रूल्स टू चेक द एरोमेटिसिटी. दीज आर कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, जो हमारा कंपाउंड है साइक्लिक होना चाहिए. एंड सेकेंड पार्ट वन इज द कंपाउंड शुड बी इन कंजुगेशन, जो कि रेजोनेंस में होना चाहिए. उसमें क्या है कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए. एंड थर्ड शुड फॉलो द दिस फार्मूला, 4N+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो देखते हैं क्या होता है. 4N+2 एंड इक्वल टू पाई. जो n यहाँ पे डिनोट किया जाता है वो क्या है, वो कोई इंटीजर है 1, 2 और 3, जो कि क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. एंड प्लस टू इक्वल टू पाई, पाई मीन्स द पाई इलेक्ट्रॉन्स. एग्जाम्पल अब देखेंगे. एग्जाम्पल वन इज एक बेंजीन लेंगे. बेंजीन का स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये हैकल्स रूल पे इसकी एरोमेटिसिटी ये आती है या नहीं आती है. जो हमारा कंपाउंड है वो पहले तो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए बाय द फर्स्ट रूल ऑफ हैकल्स रूल. कि क्या है, हमारा कंपाउंड जो है साइक्लिक होना चाहिए. तो हम बेंजीन में देख सकते हैं कि ये क्या है, क्लोज स्ट्रक्चर है जो कि साइक्लिक है. एंड दूसरा पॉइंट हम क्या चेक करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है. तो सेकेंड जो रूल है वो भी हमारा फॉलो होता है. इसमें क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो कि रेजोनेंस फॉर्म होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. हेंस द रूल टू इज ऑल्सो एकम्प्लिस्ड. एंड थर्ड वन इज देखेंगे कि 4N+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन हमारा फार्मूले से क्या आता है. तो लेट्स चेकआउट. तो 4N+2 इज इक्वल टू पाई, तो इन की जगह पे हमको क्या है, तो प्लस टू है. पाई इलेक्ट्रॉन हम इसमें अपना देखेंगे, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 जो कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा. तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारा एक रिंग में कितना है, 6 है. तो पाई की जगह पर 6 रखेंगे. 4N+2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे जो कि माइनस हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा. देन विल डिवाइडेड बाई द 4, वी विल गेट 1N = 1. ठीक, दिस एबव स्ट्रक्चर फॉलोज द ऑल थ्री रूल्स, हेंस इट इज एरोमेटिक स्ट्रक्चर और कंपाउंड. तो अगर ये तीनों रूल्स फॉलो करता है, जैसा कि N = 1 आ गया, हमारा जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर और क्या होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए. अगर फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आता है, तो इससे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है. हंस आज के वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में.